बिछड़े इस अदा से कि रुत बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। परिवार ने साडे नाल जिन्होंने अपने घर के जी खोए ने, इन्हां लई ना सिर्फ इन्हां दे घर दे विच मातम पसरिया बल्कि इन्हां दी जिंदगी वीरान हो गई। साडे नाल कुछ अजिहे परिवार ने, किसी ने अपने पिता नूं खोया, किसी ने अपने माँ नूं ते किसी ने अपनी भैन नूं, ते उन्हां नाल गलबात करदे आ कि आखिर किस तरह का दुख सीगा। ते नाल ही कोविड के दौरान बहुत सारे अजिहे लोग भी सीगे जिहड़े कह रहे सीगे कि कोरोना कुछ है ही नहीं, की कहना चाहते ने। ये साडे नाल डॉक्टर अरुण शर्मा के बेटे ने, उन्हां नाल इसलिए गलबात करांगे, असीं उन्हां दी वीडियोज़ देखियां हॉस्पिटल तो, काफ़ी ज़्यादा खुश सीगे जदों उन्हां दा इलाज भी चल रहा सीगा। एक पॉजिटिव कह सकते कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी सी उन्हां दे विच कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जदों कोविड होया तो उस दे विच भी वो अपने शहर में जागरूकता वधाउण विच उन्हां दे सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मैंबरस उन्होंने सब ने मिला के टीम्स ऑर्गेनाइज कीतियां, सब कुछ किया ताकि लोगों विच जागरूकता है। पर गल ऐसी सी कि बिल्कुल एक न्यू बीमारी हैगी सी। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हैगा वा, जो इनिशियली यह डिजीज़ आई सब किसी ने कहा कि एक नॉर्मल फ्लू है गया, जिन पहले भी इतों जिन जी इनफ्लुएंजा का पैनडेमिक पहले भी होया सी, पर वो इन्ना सिवियर नहीं सी क्योंकि वो परसन टू परसन थ्रू रेस्पिरेटरी रूट कम्यूनीकेट नहीं करता है सी। यह पहली बीमारी सी जिहड़ी साह तो साह तो इन्नी सिवियर तरीके नाल फैलती सी। वो तो सगो एक फ्रंटलाइन वर्कर है सी जिहड़े इस बीमारी नाल लड़न लई पूरा साथ दे रहे गए सी। पर जब तक तो कोविड की पीक फस्ट पीक नहीं आई, वो भी मतलब कि उदों तक हर कोई इसनों एक मतलब कि कोई इन्नी मोर्टैलिटी इन्नी ज़्यादा देखने नहीं मिल रही हैगी सी, लोग ठीक भी हो रहे सी। बस वो मेन उस टाइम पर मैं अजे भी याद है कि ज़्यादा जो एक आइसोलेट हो जाते जिन पहले हों कि एक स्पैसीफिक इंस्टीट्यूशन से आइसोलेट कर देंगे सी पेशेंट्स नूं, उहदा ज़्यादा डर सी लोगों से। पर जो फस्ट पीक आई जो मोर्टैलिटी इन्नी ज़्यादा वध गई उस टाइम तो पता लगा कि कितनी ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी हैगी है। वो फ्रंट लाइन तो होकर इस बीमारी नाल लड़ रहे सी, जो उन्होंने भी इनिशियली बीमारी हुई ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही इज़ गोइंग टू बीट इट, एंड उन्होंने अपने आप में सैल्फ आइसोलेट किया ताकि किसी होर नू इस तो बीमारी ना फैले। बिल्कुल, SMO अरुण शर्मा जी की वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई सगियाँ। हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट सके उदों भी लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। साडे नाल अमनजोत ने, राम सिंह धालीवाल जी की बेटी, एक बेटी अपने बाप दे सब तो ज़्यादा क्लोज होंदी है अमन, किस तरह का यह विछोड़ा सीगा, कदे सोचा सीगा कि अजिहा कुछ होगा, पापा सर्विस ते जाणगे ते वापस नहीं आउणगे? नो मैम, बहुत बैड सिचुएशन से उस टाइम ते, मतलब कदे सोचा भी नहीं सी ना इदां दी सिचुएशन चो भी लंघना पऊगा। अमन थोड़ा दुख असी समझ सकते हैं मैम, उन्होंने अपनी ड्यूटी तो कदे भी मतलब वो भजे नहीं सी, तो मैम हमेशा उन्होंने अपनी ड्यूटी नू प्रेफरेंस किया, तो फैमिली नू बाद प्रेफर करते, उन्होंने डे ड्यूटी सी समटाइम नाइट भी होंदी सी, तो मैम उन्होंने हमेशा अपनी हेल्थ का भी नहीं सी मतलब कि ध्यान रखा इन्ना, तो मैम वो ज़्यादा नाइट ड्यूटी पर भी जाते तो उन्होंने जो वन वी डैथ तो वन वीक पहला ही काफ़ी मतलब बीमार हो गए थे, तो वह सैपरेट रूम च ही रेंदे सीगे, तो मैम उन्होंने अपने कपड़े वगैरह सारे आप वॉश करने मतलब साढ़े तो दूरी बना के रखी उन्होंने, तो मैम असी कदे भी नहीं सोचा भी इस सिचुएशन च भी सानू लंघना पऊगा है ना, भी शॉकिंग न्यूज़ सी साढ़े लिए भी एकदम की हो गया। मैम मेरे ब्रदर भी फॉरन च ने, मैं ते मम्मा ही सीगे, मैम बहुत औखा टाइम कढ़िया मैम। बिल्कुल, इत्थे जिसका दर्द सुनांगे शायद वह दर्द एक दूसरे नालों वध ही होएगा, क्योंकि साडे नाल मीना रानी दे हसबेंड ने, राजन जी दी जे गल की जाए हुण वह दो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, एक 9 साल का बच्चा है तो एक 12 साल का, तो मीना रानी जी महज 38 साल दे सीगे। राजन जी, थोड़ा दुख भी वड्डा, थोड़े बच्चों का दुख उस तो भी वड्डा।
मैडम सब तो पहले मैं जी पंजाब का बहुत धन्यवादी हाँ तो उस तो बाद पंजाब सरकार के हेल्थ मिनिस्टर साहब का जिन्होंने सानू अज मौका दिता कि असी अपनी गलबात रख सकीए तो बाकी मैडम जिंदगी दौड़ चला दे जिदा कि गड्डी दे दो पहिए बहुत जरूरी है जो एक भी डुलक जाए तो जिंदगी लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाइफ आई थिंक सो पर जेड़ा मेरे बच्चे इस टाइम ते संताप भोग रहे हैं मेरी वाइफ ने हमेशा अपनी ड्यूटी नू इन्नी कि ज़्यादा अहमियत दिती कि हर एक चीज़ असी बड़ी सेफ्टी भी रखी पर सानू पता ही नहीं लगा कि कोविड अस ये पहली बारी सीगा सानू इहदे सिमटम्स का ही नहीं पता चलिया कि सिमटम्स आ किदां असी प्रिकॉशन ले आई पर प्रिकॉशन ने भी काम नहीं किया। बिल्कुल एक जरूर थोनू वीडियो दिखा देने आ उना शहीदां दी जिन्होंने शहादत पाई इस कोविड के दौरान करीब 29 डॉक्टर्स ने आशा वर्कर्स ने पंजाब दे विच जिहड़े कोविड के दौरान सेवावां दिंदे हुए अपनी जान नशावर कर गए। पंजाब हरियाणा हिमाचल इन्हां योध्यां नूं सलाम करदा है। साडे नाल गुरमेल सिंह दी बेटी ने राजविंदर कौर हालांकि तुहाडे हंझू सारी कहानी सारा दुख बयान कर रहे ने राजविंदर जी पर तुसीं दस रहे सीगे कि लोकां दा उस वेले की सलूक रहा वो काफ़ी ज़्यादा अहम रखता है हालांकि असीं तस्वीरां अलग अलग थावां तों देखियां उस वेले पर तुसीं उसनूं महसूस किया। हाँ जी मैम सब तो पहला मैं सारे सत श्रीकाल बुलाना चाहवागी तो जी न्यूज़ का धन्यवाद करती है जिन्होंने सानू इतने इनवाइट किया। मैम उस टाइम असी बहुत बुरे वक्त विचों लंघे पापा नू काम के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए असी उन्होंने बहुत अवेयर करते रहे कि पापा तुसी थोड़ा ध्यान रखो अपना पर उन्होंने पेशेंट का मतलब कि इलाज करते रहे तो उत्थे कोरोना पॉजिटिव हो गया पर बाद विच पिंड दे लोकां ने साडा सहयोग भी दिता। राजविंदर दसो अपनी कहानी ताकि लोग जानन कि आखिर जिहड़े कोविड वॉरियर सी उन्हां नूं की कुछ सहना पिया। मैम फिर मम्मा भी उन्हां दे नाल रहिंदे सी ओह भी पॉजिटिव हो गए फिर सानूं घरों बाहर कढ दिता गया अलग अलग थावां तो अजिहियां तस्वीरां असी देखियां भी दिखाइयां भी कि आखिर जेडे कोविड वॉरियर सीगे उन्हां नाल की कुछ सलूक भी हुंदा रहा हालांकि बाद विच बथेरे अजिहे लोग सीगे जिन्हां ने तालियां भी बजाईयां पर उस तो पहला अजिहा भी देखिया कि पिंड च लोग कोविड वॉरियरस नूं वड़न भी नहीं दे रहे सीगे। इस तरह की कहानी जिहड़ी है गुरमेल सिंह दी है जिहड़ी उन्हां दी बेटी राजविंदर कौर बयान कर रहे ने। हाँ जी मैम मम्मा पापा नूं घर विच लॉक कर दिता गया असी बाहर उन्हां नूं समान दे जांदे सी ईवन सानूं उन्हां नूं मिलन की इजाजत भी नहीं सी असी दूरों देख लैंदे सी
बहुत मुश्किल पापा नू बहुत मुश्किल हुई। एक महीना पूरा बीमार रहे घर विच, फिर उन्होंने जिवें ब्रेन का अटैक आ गया, वो सानू सब नू भुल गए। उस उन्होंने हॉस्पिटल लैके गए पर हॉस्पिटल भी उन्होंने एडमिट नहीं किया गया। फिर वापस उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में लैके गए, NHS में उत्थे एडमिट किया गया, पर दो दिन सानू मिलन नहीं दिता गया उन्होंने। जिथे उन्होंने पांच क दिन एडमिट रहे फिर उन्होंने डैथ हो गई। बिल्कुल, तो इस तरह हर एक कोविड वॉरियर के परिवार ने कुछ की कुछ सेहा वो दस रहे ने। डॉक्टर अरुण के बेटे की जी गल की जाए, थोड़े परिवार च होर भी हूँ डॉक्टर्स ने, किस तरह देखते हो? थोड़ा लगता है कि इस वेले अहमियत पता चली कि आखिर डॉक्टर की अहमियत की होंगी है, मेडिकल सर्विसिज किनिया सही करन दी जरूरत है? मैम मेडिकल मैं तो कहना चाहूँगा कि इस महामारी के दौरान फिर भी यह बिल्कुल एक नई बीमारी सी, जिस तरीके ना साडे हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसनू फाइट किया, जिस तरह कॉन्कर किया, फ्रंट लाइन पर होकर हर चीज़ को टैकल किया, एक बहुत सराहनीय गल हैगी है कि बिल्कुल एक न्यू बीमारी ना किस तरह डील किया जा सकता है। इस तो इलावा जिन सारे मेडिकल दिन डिपार्टमेंट नाल एसोसिएट लोगों ने बिल्कुल अपनी जान की परवाह करते भी नहीं की, सब तो अगे होकर लड़िया, तो यह बहुत ही काबिली तारीफ गल हैगी कि उन्होंने अपनी लाइफ की परवाह नहीं की। पर मैं फिर भी यह गल कहना चाहूँगा कि जिन आप हर कित मैसेज सुनते हैं कि स्टे एट होम स्टे सेफ, पर जोड़े लोग हेल्थ डिपार्टमेंट नाल एसोसिएटेड है उन्होंने तो यह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने काम ही यह है कि उत्थे मेन बैटल फील्ड जाके खुद लड़ना, वो स्टे एट होम नहीं कर सकते, वो हमेशा स्टे सेफ नहीं कर सकते, वो अपनी लाइफ में रिस्क रखते हुए भी अपना कर्तव्य समझ के इस चीज़ ना डील करते हैं। डॉक्टर विक्रम धन्यवाद थोड़ी थान पर। जरूर मैं डॉक्टर सरजीत सिंह माही दी जड़े वाइफ ने जगविंदर कौर उन्होंने जरूर सदना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी कहानी बयान की, तो उन्होंने तजुर्बा जानना काफ़ी ज़्यादा अहम है। इस नाल ही अमनजोत ना जरूर गल करते हैं। अमन, जो औखी घड़ी होंगी है सब तो पहला अपने बाप की भरा की याद आती है, अपनी माँ की याद आती है, पिता का साया उठ गया, भरा पहुँच नहीं पाया, किस तरह देखते हो? थोड़ा लगता है कि कोविड ने काफ़ी कुछ सिखा दिता? जी मैम, रिस्पोंसिबिलिटीज सारिया, मतलब ब्रदर तो बाहर है मैम, सारी रिस्पोंसिबिलिटी का पता लगता कितने मैम खड़ना, पेरेंट्स नू सपोर्ट करना उस सिचुएशन कितने, एक फादर एक डॉटर लिए है ना सब तो बड़े सपोर्टिव परसन होंगे, मैं वो चीज़ नू बहुत मिस कर दिया लाइफ विच, मैं वो चीज़ का मतलब हमेशा ब्लैंक ही रहूगी। तो मैम मतलब इस सिचुएशन च लंघना बहुत ज़्यादा औखा मैम, एक कुड़ी लिए बहुत ज़्यादा औखा भी, लोगों नू सुनना मेहने सुनने लोगों के भी मतलब वो इंडिपेंडेंट ही खत्म हो जाता, एक कुड़ी लिए बहुत औखा हो जाता मैम सरवाइव करने सिचुएशन च, मैम लोगों तो सुनना कि इदा नहीं करना वो नहीं करना, कि एक पेरेंट एक फादर के सिर पर आप सारा कुछ कर सकते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट होंने आप उस टाइम पर। इस तो बाद लोगों दिया सुनना बिल्कुल एक जिम्मेदारी आ जाती है एकदम। तो साढ़े नाल डॉक्टर जगविंदर पाल कौर ने, इन्हों मैं स्टेज पर इसलिए सद्या क्योंकि तीन बेटियां ने, खुद भी डॉक्टर ने, हसबेंड भी एसोसीएट प्रोफेसर सीगे, तो कोविड के दौरान सेवावान देंदे हुए ही उन्होंने जान चली गई। डॉक्टर जगविंदर पाल कौर जी, थोड़े तजुर्बे की गल करिए, किस तरह देखते हो तुसी, किस तरह वो समा कटिया, दूरी बना के जी खुद रखनी पी घर के भी? मैं खुद PCMS कर रही हूँ और मैं एक साल तो कोविड टेस्टिंग च काम कर रही थी, मैं अपना कमरा बिल्कुल अपनी फैमिली तो अलग किया हुआ सी, इनिया प्रिकॉशनस लैन के बावजूद भी लास्ट ईयर मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हुई, बट आई कुड नॉट से माई हसबेंड वॉज पार्ट वॉज दिस बिल्कुल असी थोड़ा सारिया का दुख समझ सकते हैं, असी पंजाब हरियाणा हिमाचल पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि थोड़ा दुख असी वंड सकी। लगातार इस तरह गलबात का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल परिवार ने असी गलबात की, तो उन्होंने दसिया कि
किस तरह का वो समा सीगा, किस तरह का जिहड़ा ये वक्त सीगा जिस तरह उन्होंने गुजारिया, नाल ही जिस तरह असीं पहला दस्सिया कि मातम इन्हां परिवारां च ही नहीं पसरिया बल्कि बथेरे अजिहे लोग सीगे जिन्होंने अपने नूं खोया। असीं सब नूं श्रद्धांजलि अज पेश करदे हां।